does perfect even mean? Hello, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी नॉर्मल बाइक को कैसे मोटो जीपी रेसर वालों की तरह चला सकते हैं विदाउट यूजिंग क्लच, आप कैसे गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टेक्निक है कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ। आप जितने भी मोटो जीपी रेसर होंगे आपने देखा होगा कि उनकी जो स्पीड है बहुत जल्दी क्यूब चेंज हो जाता है, शिफ्ट में स्पीड में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका गियर होता है तो चेंज करते हैं तो विदाउट यूजिंग क्लच चेंज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, तो आपको टेक्निक आज मैं पूरा दिखाऊंगा कि कैसे वो गियर चेंज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा, पहले समझा देता हूं फिर आपको दिखाएंगे कैसे गियर चेंज होता है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है कि आपका आरपीएम जो लिमिट है आपको रखना है उसे 6 से 7 के बीच में, क्योंकि जब आप इतनी लिमिट पर रहेंगे तो आपको बिना क्लच के आप गियर को शिफ्ट कर सकते हैं इजिली। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका आरपीएम कितना होना चाहिए, कितना आरपीएम आपका होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आपको गियर के साथ कैसे चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इतना फ्री होता है थोड़ा, तो इसको आपको ऐसा ऊपर की तरफ प्रेशर बना के रखेंगे गियर के लिए। और फिर आपको मैं बताता हूँ एक्सीलेटर के साथ क्या करना है। आप एक्सीलेटर पे आएंगे तो जैसे ही आपका गियर पे प्रेशर बना रहेगा तो आपको करना क्या है, एकदम से ऐसे करना है। जो जैसा जब आप ऐसे करेंगे तो एकदम से गियर अपने आप ही पो कर लेगा, फर्स्ट गियर आ जाएगा, सेकंड गियर, जो जिस भी गियर में होंगे गियर अप हो जाएगा। तो क्योंकि ये प्रेशर की वजह से जैसे आप ऐसे करेंगे आरपीएम बढ़ेगा तो एकदम से अपने आप ही गियर ले लेगा। तो इसकी वजह से ये जो रेसर्स होते हैं सारे ये ऐसे ही करते हैं शिफ्ट टेक्निक, क्योंकि उनके अगर क्योंकि वो क्लच यूज़ करेंगे सब चीज़ यूज़ करेंगे तो रेस बहुत धीरे धीरे पकड़ेगा, इसमें सडनली एकदम आपको क्विक रेस पकड़ लेगा। तो आपको एक बार इसका ट्रायल रोड पर करके दिखाते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गियर शिफ्ट हो रहे हैं और क्लच में जो है उसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं रखा हुआ है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ऐसे आप गियर शिफ्ट करके अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करके जा सकते हैं, तो इससे आपका ना क्लच पे इतना इफेक्ट पड़ेगा और आपकी स्पीड जो है मेंटेन रहेगी। तो ये आपको गियर शिफ्ट करके और ऐसा स्पीड देख लीजिए तो आपकी मेंटेन है, आरपीएम जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गया और आपकी स्पीड जो है वो उतनी की उतनी ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करके एक मोटो जीपी रेसर की तरह चला सकते हैं अपनी बाइक को। तो बस, तो देखिए वीडियो को, अगर बाकी नीचे कमेंट कर सकते हैं आप जो भी आपको पूछना रहेगा। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये नया एक्सपेरिमेंट। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।